शिवपुरी शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिया मैरिज गार्डन के सामने नो एंट्री में पुलिस से बचने के लिए दौड़ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने एक कार और दो बाइकों को बुरी तरह रौंदते हुए एक घर में जा घुसा, जिससे एक्टिवा पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद से पुलिस ने इन ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शहर के गुना नाका से एक कोटा स्टोन से भरा ट्रक शहर में नो एंट्री में घुसा, जिसके चलते इसने मौके पर सबसे पहले एक क्रेटा कार को टक्कर मारी। उसके बाद ट्रक ने एक एक्टिवा जिससे सवार दोनों पिता पुत्र मुकेश राठौड़ फतेहपुर और बेटा कपिल राठौड़ दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में कार में सवार लोग भी हल्के चोटिल हुआ है। यहां बता दें कि इसी स्थान पर एक ट्रक ने एक मासूम छात्र सत्यम पराशर को भी हादसे का शिकार बनाया था। उसके बाद पीएस होटल के पास एक छात्रा को भी कुचल दिया था, जिससे छात्रा की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये घटना हुई है, वो एक कैंटर वाला है, इसमें पत्थर पड़ा हुआ ट्रक में, ये राजस्थान पास है। इसके चालक ने तेजी वाला लापरवाही चलाकर टक्कर मार दी, इसमें कुछ लोग घायल हो गए, तो दो लोगों को अभी ले आए और भी दिखवा रहे हैं वहाँ आसपास, कोई घायल तो होगा, अगर होगा उसका भी इलाज कराएंगे। और कितने हाँ टैंकर वाले को पकड़ लिया है, ट्रक वाला दारू पिए था ऐसा सुनने में, मेडिकल ऑफर कराती है। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? एक्सीडेंट सिया गार्डन के पास में हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।